मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद एनसीआर का पार्ट होने के बावजूद 2017 के पहले जिस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए था उसमें एक हताशा थी, निराशा थी। यहां के बारे में लोगों की धारणाएं भिन्न थी, लोग नकारात्मक दृष्टि से इस ओर देखते थे और इस प्रकार की कोई निवेश की संभावना यहां पर बन सके यह एक कल्पना थी। लेकिन पिछले 6 वर्षों के अंदर उस परसेप्शन को बदलते हुए इज ऑफ डूइंग बिजनेस के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से लागू करने का परिणाम है कि आज निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में न केवल एनसीआर में बल्कि देश के अंदर गौतम बुद्ध नगर जनपद एक बार फिर से उभरा है और तेजी के साथ आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, अभी उत्तर प्रदेश ने 10 से 12 फरवरी 2023 में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना 2nd ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की दिशा उत्तर प्रदेश का एक पहला समिट था, यद्यपि इन्वेस्टर समिट की दिशा दूसरा था और उत्तर प्रदेश को इस अवसर पर अब तक जो एमओयू हमारे साथ में लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव और इसमें भी सर्वाधिक निवेश के प्रस्ताव कहीं के लिए प्राप्त हुए हैं इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, जहां पे सुविधाएं हों, इस ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता हो, जहां पे बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति हो वहां पे निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके, वहां पर दी जाने वाली सुविधाओं को देख करके, वहां की सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण को देख करके आता है। और आज ये दृश्य हम सबको यहां पर देखने को मिलता है, प्रदेश में देखने को मिलता है और ये पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कुछ न कुछ निवेश जरूर हो रहा है। यानी जो जनपद कभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, वित्तीय समावेशन, इन सभी में जो काफी पीछे थे, उन जनपदों को व्यवस्थित रूप से विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित किया गया। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों के लिए कुछ न कुछ निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। आज प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पूरब की हो या बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी हो, पश्चिम से मध्य और पूरब पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी, उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर हुई है। प्रदेश के अंदर हमने एयर कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर किया है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट मात्र क्रियाशील थे, आज उस उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं, 12 एयरपोर्ट पे वर्तमान में कार्य चल रहा है और इस वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा। भारतीय रेल की दिशा अगर हम देखते हैं तो रेल का सबसे बेहतरीन नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अंदर है, 16,000 किलोमीटर का रेलवे का नेटवर्क, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, उनका जंक्शन भी इसी जनपद के अंदर प्रदेश में है। यानी प्रदेश की इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ वाटरवे की संभावनाओं को भी, देश का पहला वाटरवे नंबर 1 इनलैंड वाटरवे
यह उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है और शीघ्र ही प्रदेश के अंदर अपना स्टेट का इंडियन वाटरवे अथॉरिटी भी गठित होगा, जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर जल मार्गों के माध्यम से कार्गो की सुविधा को आगे बढ़ाने की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी जनपद में जेवर के पास वर्तमान में तेजी के साथ बन रहा है। ये संभावनाएं बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी संभावनाएं थी। देश के अंदर एमएसएमई का बेस अगर आप देखेंगे 96 लाख यूनिट एमएसएमई उत्तर प्रदेश के अंदर है और उनके प्रोत्साहन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, जिसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित किया है। मैं यहां पर देख रहा था, जब पूरी फैक्ट्री को मैं देख रहा था, इस पूरे संस्थान के अंदर जब मैं अवलोकन कर रहा था, मुझे तमाम युवा साथी मिले, अलग अलग जनपदों से आए हैं। किसी ने डिप्लोमा किया है, किसी ने डिग्री अपनी ली है, कोई यहां फुल टाइम जॉब कर रहा है, कोई इंटर्नशिप में यहां पे काम कर रहा है। और इस अवसर पर मैं एडवर्ड टेक्नोलॉजी से इस बारे में कहूंगा कि हमें अपने युवा को अभी से तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के ध्यान के साथ जुड़ना होगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस दिशा में पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। हम वर्तमान में प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर रहे हैं जो तकनीकी दृष्टि से सक्षम बन सके। एक युवा जब अपनी डिग्री या अपना डिप्लोमा ले तो उसको नौकरी और रोजगार के लिए भटकना न पड़े, उसके सामने शासन की स्कीम उसके सामने हो, उसको जानकारी हो पीएम मुद्रा योजना क्या है, पीएम स्टार्टअप की योजना क्या है, पीएम स्टैंडअप की योजना क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजना क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना क्या है, या अध्ययन काल के समय भी अगर उसके पास आर्थिक तंगी है तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है, या किन योजनाओं का लाभ लेकर के हम सुगमता के साथ अपने अध्ययन को भी जारी रख सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि यहां पर जो युवा कार्य कर रहे हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए एडवर्ड टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल खंड में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी घोषित की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बात के लिए हमें स्वतंत्रता देता है, हम अपने रोजगार के साथ साथ अपने अध्ययन को जारी रखें, अपने रिसर्च को, अपनी स्टडी को, अपने रिसर्च को, और फिर आपको लगता है कि इसमें और बेहतर करने की संभावना है तो उसमें पेटेंट दाखिल करने के लिए भी आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए, एक प्रक्रिया के साथ जुड़ना, उसे आगे बढ़ना। इनोवेशन आज की मांग है और एक जो ये कार्य यहां पर किया है राज्य के अंदर भी, इस दिशा में हम लोग बेहतरीन अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अपना यूजी की डिग्री लेने के बाद पीजी की डिग्री के लिए वे चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर के, अपने अभिभावक पर बोझाना बनकर के स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर के कार्य भी करूं और साथ साथ डिग्री भी लूं। इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम उनको ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं, कैसे पार्ट टाइम एजुकेशन के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, इन सब पर भी राज्य और केंद्र सरकार दोनों कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपसे इस बारे में कहूंगा कि एक इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के अभियान के साथ इस एडवर्ड टेक्नोलॉजीज को जोड़ना चाहिए। अच्छे युवा मिलेंगे और यहां पर जो युवा आएगा वह कार्य भी करेगा और साथ साथ उस युवा को सीएम इंटर्नशिप स्कीम या पीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इसमें आधा मानदेय आप देंगे, आधा मानदेय राज्य सरकार या केंद्र सरकार उन्हें उपलब्ध करवाएगी और एक समय के बाद उनके इंटर्नशिप का कार्य होने के बाद उसके पास एक अनुभव प्रमाण पत्र होगा और फिर मार्केट में उसके प्लेसमेंट की भी व्यवस्था राज्य सरकार के माध्यम से या फिर स्वयं
इस संस्थान के माध्यम से अगर हो सकती है तो हम लाखों नौजवानों को स्वावलंबन का एक नया मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए इंडस्ट्री के साथ इंस्टीट्यूशन का जुड़ाव, और ये उसी दौरान होगा तो उसके थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल जानकारी भी उस युवा को होगी, और हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से किसी भी अन्य युवा की दृष्टि से देश और दुनिया के अंदर एक स्किल मैन पावर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के अंदर सबसे युवा शक्ति के साथ साथ सबसे स्किल मैन पावर के रूप में जाना जा सकता है। उस दिशा में अगर हर इंडस्ट्री थोड़ा प्रयास कर ले और शासन की इन योजनाओं के साथ अपने आप को जोड़ ले तो हजारों युवाओं को इंटर्नशिप स्कीम के साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार और उनके उज्ज्वल भविष्य की राह दिखा सकते हैं। मैं एक बार फिर से एडवर्ड टेक्नोलॉजीज को एक समय सीमा के अंदर इस कार्य को इस निवेश को ग्रेटर नोएडा में करने के लिए और इसमें इतने ढेर सारे युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं यहां पर इस अवसर पर औद्योगिक विकास विभाग को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को और इस पूरे अभियान को एक समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए जिन भी लोगों ने कार्य किया है उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त करूंगा कि हमारे सभी संस्थान अपने कार्यों के माध्यम से एक नई पहचान बनाने का कार्य करेंगे और देश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।